बच्चे आवाज़ आ रही है गुड मॉर्निंग आवाज़ आ रही है आपको चलो बढ़िया ओके okay. कुछ तो पता नहीं कनेक्ट कोई हो नहीं ओके लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा बुला लो सबको फटाफट आज छोटा ही सेशन होगा वी विल बी कवरिंग टैक्सोनॉमिकल की ठीक है लिविंग वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर है तीन लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करेंगे uh, सारे सेशंस होते हैं मेरे सुबह साढ़े ग्यारह बजे बाकी टीचर्स का टाइमिंग महेंद्र सर सुबह एट पी एम सॉरी एट ए एम फॉर फिजिक्स टेन ए एम अनूप सर की क्लास होती है फॉर केमिस्ट्री आकांक्षा मैम आल्सो टेकिंग केमिस्ट्री एट वन एंड सीप मैम की क्लास होगी तीन बजे जुअलॉजी ठीक है तो ये ये हमारा मेधावी बैच का टाइम uh, टेबल है और जो टॉपिक रोज ये टीचर्स पढ़ाएंगे मैं पढ़ाऊंगी वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगी एंड इवन इफ यू मिस तो आपको पता है आपने कौन सा टॉपिक मिस किया है ठीक है सो एक एक तुरंत स्ट्रैटेजी बन जाता है थोड़ा ढंग का रूटीन बन जाएगा आपका ओके ऑल राइट बेटा जो बच्चे बिल्कुल नए हैं आई एम कोमल यादव एंड आई एल भी देखेंगे बॉटनी सेशन यूट्यूब पे हमारे सेशन का टाइमिंग है इलेवन थर्टी एम और प्लस पे हमारे सेशंस होते हैं 5 पीएम, ओके okay? सो so 5 पीएम सेशंस हियर जिसमें आज एनवायरमेंटल uh, इश्यूज का सेशन है एनवायरमेंटल इश्यूज कंप्लीट हो जाएगा uh, इसके बाद हम चैप्टर ट्वेल्थ के लिए स्टार्ट करेंगे मैंने ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर से लॉन्च कर दिया है प्लांट फिजियोलॉजी का कोर्स ठीक है तो इलेवंथ के जितने भी बच्चे हैं या आप ट्वेल्थ में हो आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो या आप ड्रॉपर बच्चे हो और आप प्लांट फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ना चाहते हो थियोरी पढ़ना चाहते हो यू कैन जॉइन मी ऑन प्लस बाय यूजिंग कॉमन लाइफ कोड इस टेलीग्राम आई पे मैं लिंक भेज दूंगी सारे पी भी अपडेट हो जाएंगे एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर टेकिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक में यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट अन अदर पर्सन एक और इंसान आपके साथ जुड़ जाएंगे जो आपको मेटोर करेंगे टाइम टेबल बनाने में पढ़ाई को थोड़ा और सिम्पलीफाई करने में डाउट क्लियरिंग में सो आइकॉनिक इज अ लिटिल एक्सपेंसिव अगर एक बार सोचना है इसके पॉइंट्स देखने हैं तो वो मैं आज के सेशन के वीडियो के एंड में बताऊंगी सो यू कैन वेट टिल दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अदरवाइज प्लस फोरसेस तो बिल्कुल बिंदास हमारे पास है ही उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखिए बेटा लिविंग वर्ल्ड के अंदर चार मेन पोर्स में हमने डिवाइड किया था लिविंग वर्ल्ड को दिस इज वॉट वी कम्पलीटेड ये

चीज को आइडेंटिफाई कर सके उसको नाम दे सके और फिर उसको क्लासीफाई कर सके यही जो लाइन मैंने हिंदी में बोली इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन नॉर्मल क्लेचर आइडेंटिफिकेशन इसको याद करने के लिए क्या करेंगे मैम ये चतुर जैसे कैसे याद करे डेफिनेशन तो उसके लिए आपको क्या करना है यू हैव टू ब्रेक द डेफिनेशन इन टू आप पॉइंट्स में डिवाइड करोगे डेफिनेशंस को ठीक है तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन किसी चीज को आइडेंटिफाई करना उसको नाम देना और फिर उसको क्लासिफाई करना ठीक है सिंपल फंडा हाँ सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पॉइंट कि हमारे पास क्या तौर तरीके हो सकते हैं अब क्या हुआ ना इनिशियली हमने जो प्रिंसिपल्स बनाए जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो हमने प्रोसीजर्स uh, बनाए वो ज़्यादातर बड़े सुपरफिशियल बेसिस पे थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऐसे टेक्नोलॉजी भी नहीं था वी वर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू या साइंस के बारे में इतना पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई थी तो इनिशियल अगर बात करूँ तो आरिस्टोटल के ज़माने वाली बात हो रही है उस टाइम पे हमारे पास बेस्ट पॉसिबल क्या था कि हम एक्सटर्नली किसी चीज़ को देखें और उसको क्लासिफाई कर दें कि ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है ये सारे थोड़े सिमिलर से दिखते हैं तो एक साथ एक ग्रुप में आएंगे ये थोड़े एक जैसे दिखते हैं तो एक सिमिलर इस ग्रुप में आएंगे अब प्रॉब्लम ये हो गई ये काफी सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन हो गई काफी सुपरफिशियल कैटेगराइजेशन हो गई विच इज नॉट करेक्ट हम एक बहुत बड़ी चीज़ पीछे बैकग्राउंड में भूल रहे हैं और वो है एवोल्यूशन एवोल्यूशन कौन किससे कैसे इवॉल्व हुआ कल की क्लास में एक लाइन बोली थी मैंने ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं हम लोग टू वेरिंग डिग्रीज मतलब अलग अलग निकलेगा अमाउंट लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है क्यों बिकॉज देर इज एवोल्यूशनरी पाथ कैसे आप इवॉल्व किए अगर क्लासिफिकेशन अगर ग्रुपिंग अगर कैटेगराइजेशन चीजों को साथ में एक साथ रखना अगर मैं एवोल्यूशन के हिसाब से लगा दू सो दैट विल बी नोन एज सिस्टमैटिक्स एक तरीके समझ लो आपके घर में चार तरीके की मिर्ची आई है किचन में मम्मी ले आए पापा भी ले आए आप भी ले आए सब ले आए मम्मी ने बोला था मिर्च खत्म हो रही है सब मैं मिर्ची उठा ला ठीक है ठीके? एक पैकेट अभी अभी नया खुला है एक पैकेट आधा खत्म हो चुका है एक पैकेट बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो हाउ आर यू गोइंग टू तो क्लासिफाई कि पहले जो आधा पैकेट है उसको खत्म कर लिया जाए फिर जो अभी अभी खुला उसको थोड़े उसके बाद यूज करें और जो पैकेट बिल्कुल बंद पड़ा था ओपन ही नहीं हुआ उसको लास्ट यूज किया जाएगा आप ये तो नहीं करोगे ना बेटा कि सारे पैकेट खोल दो और रोज एक एक चम्मच अलग अलग मिर्ची में से डालो पॉइंट नहीं है सो क्लासिफिकेशन स्टार्ट मेकिंग सेंस टेक्सोनोमी स्टार्ट मेकिंग सेंस वेन यू ब्रिंग इन एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप्स फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप्स कौन किस से इवॉल्व हुआ कौन किस का कॉमन एंसिस्टर है इन दोनों के ये कैरेक्टर मिलते हैं तो शायद ये दोनों मिलते जुलते होंगे ये कहानी क्या हो गया भाई ओके स्पेशल क्लास का टाइमिंग होगा कल नौ बजे टुमारो नाइन पी चैप्टर खत्म हो जाएगा कल सुबह ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे वाली जो क्लास है उसमें चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी मैं और इवनिंग में हमारी लिविंग वर्ल्ड की क्लास होगी आई विल गेट दैट पिन दैट क्लास पिंड आल्सो और जो अन अकेडमी का मैंने आपको टेलीग्राम आईडी बताया उस पर भी मैं शेयर कर दूंगी लिंक चलिए बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टेक्सोनोमी अब बात यह है कि वाई डू आई नीड टेक्सोनोमी ठीक है एक ब्रांच है जो प्रिंसिपल्स बनाती है जो प्रोसीजर्स बनाती है जो सारा काम करती है हमारे लिए हमें हेल्प करती है टू मेक थिंग्स इजी बट व्हाई डू एग्जैक्टली आई नीड इट मुझे चाहिए क्यों मुझे इसलिए चाहिए ये क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा डायवर्सिटी है बायो डाइवर्सिटी बायो स्टैंड फॉर लिविंग लिविंग एंड डाइवर्सिटी योर स्टैंड फॉर वेरिएशन तो लिविंग में जो वेरिएशन है उसको मैं प्रॉपरली पढ़ सकूं, फिर उसको यूज कर सकूं और अगर कभी फ्यूचर में मुझे कोई और ऑर्गेनिज्म भी पढ़ना हो तो ऐसा ना हो कि गुम गया हो वो ऑर्गेनिज्म आई हैव टू फाइंड इट एंड प्रॉपरली लोकेट किया जा सके उसको ठीक है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान के देखो जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हाँ, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको जिंजर ठीक है अदरक जो है आपके पास अब कल को मान लो कुछ ऐसा हो जाए पूरे जिंजर में कीड़ा लग गया पूरी दुनिया का जिंजर खराब हो जाए होल वर्ल्ड जिंजर गोज बैड इंफेक्शन आ गया सारा अदरक पूरी दुनिया का खत्म अब क्या करें वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव जिस फैमिली में जिंजर बिलोंग करता था हम उस फैमिली के बाकी मेंबर्स को ढूंढने लगेंगे समझने लगेंगे कि क्या कोई और प्लांट हमारे लिए जिंजर का ऑल्टरनेटिव बन सकता है जैसे मान लो कल को कोई ऐसा बीमारी फैल जाए प्लांट्स की जिसके अंदर सारा वीट खत्म हो गया दिस इज वेरी मच पॉसिबल विद बनाना बनाना के साथ क्यों पॉसिबल है क्योंकि बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड ठीक है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जा रहा है मतलब सारा का सारा आइडेंटिकल बनाना है

जो वाइल्ड वेराइटी हो और उसको हम बनाना करें ऑल्टरनेटिव यूज कर ले सो सच वेज वी हैव टू फाइंड ताकि हम चीज़ों को पढ़ के एक साथ ऐसे क्लब कर सके ऐसे रख सके कि वो और उसके आसपास के जो मेम्बर्स हैं वो दे मेक सेंस है ना और मैं एक को ढूंढने जाऊँ तो उसके जैसे मुझे दस और मिल जाए सिमिलर एग्जैक्ट तो सेम कोई भी नहीं होगा बिकॉज दे आर एप्सोल्यूटली डिफरेंट स्पीशीज बट कुछ सिमिलैरिटीज मिलने के चांसेस हैं ठीक अब ऐसे में आता है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके लिए हमारे पास आई ने हमें आइडिया दिया था कि आपके पास 1.7 टू तो 1.8 मिलियन स्पीशीज है ठीक है अब इतने स्पीशीज अगर हमारे पास है तो इनको हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे हम अपना नाम देते वैसे दे दें आप सोचो एक ही क्लास में कितनी साक्षी होती है मेरा ही नाम ले लो सबसे दुनिया का कॉमन नाम है मेरा नाम और सरनेम तो अल्ट्रा कॉमन है कोमल यादव सर्च करोगे दो हजार करोड़ मिलेंगे तुमको ठीक है घर वालों ने ध्यान नहीं दिया बोले नाम है इन द नेम ठीक है सो द पॉइंट हियर यू कैन नॉट कीप नेम्स ऑफ़ साइंटिफिक और स्पीशीज जस्ट एज वी कीप आर नेम्स क्योंकि आप एक ही पॉइंट पे दस साक्षी दस राहुल दस कोमल दे बी एन मतलब सो मच कंफ्यूजन अगर साइंटिफिक लेवल पे पर हो गया, तो सरने होता है। हो गया कम? मिलना ही नहीं इंसान स्पीशीज ही नहीं रह जाओगे सब एक दूसरे की बात करते चले गए नंबर वी हैव 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज इंडियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 17 से 18 लाख स्पीशीज जो हमारे पास है उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना आइडेंटिफाई करना नाम देना और फिर क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना जो मैं हमेशा देती हूँ दैट इज़ सपोज यू एंटर एन एप्स न्यू क्लास आप टेंथ के बाद स्कूल चेंज कर लेते हो कि यार टेंथ तक तो मेरा स्कूल है मैं इलेवन ट्वेल्थ बहुत अच्छे स्कूल से करूंगा ठीक है और बहुत अच्छे स्कूल से करूँगा सोच के निकले और उन्होंने स्कूल में बैंड बजा दी तुम्हारी और फिर बोलो मैम नीट का एग्जाम तो कैसे देंगे ये तुम ना ये मेरे को ये तीन चार बच्चे मुझे रोज ऐसा मैसेज करते हैं मैम सुबह स्कूल है शाम को कोचिंग है फिर फिरडमी का भी क्लास है फिर ये भी है फिर वो भी है अब बताओ हम कैसे पढ़ाई करें तुम्हारे साथ ना वो प्रॉब्लम है जो जिम आते हैं लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या कभी आ ही नहीं रहे हफ्ते में एक बार जिम एंट्री मार रहे हैं ठीक है एक, एक हफ्ते में एक बार जिम छोड़ो एक्सरसाइज एक बार कर रहे बोले यार, मैं पतला नहीं हो रहा पता नहीं क्यों पतला नहीं हो रहा मैं हाँ मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है क्यों क्यों क्या खाते हो जी बटर चिकन और नान सुबह ब्रेकफास्ट में किसके साथ लस्सी के साथ, साथ। दोपहर में खाएंगे चौमिन विद पेप्सी है रात को खाएंगे पिज्जा मस्त एकदम पता नहीं वेट कम नहीं हो रहा भाई जब पूरा दिन कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखोगे हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द टाइम इट मेक सेंस यू हैव टू फ्री अप मैं थोड़ी ना तुम्हारा स्कूल छुड़वा सकती हूँ <laughs> स्कूल में आया आया स्कूल स्कूल है I know है आई नो फाइंड योर वे थ्रू इट में पढ़ सकते हो तो कुछ पढ़ लो यार वहीं पे ठीक है सपोज आप एक अच्छे से स्कूल में चले गए एंट्री मार दी आपने क्लास में इलेवेंथ क्लास में आप घुसते हो क्लास में आपका दिमाग आपको बताए बिना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठाएगा

डिस्क्रिप्शन और इसका दूसरा नाम है कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टराइजेशन आपको बिना बताए आपके दिमाग ने ये काम कर दिया था ठीक है और इस इंफॉर्मेशन को उठा के वो पिछले प्रेजेंट इंफॉर्मेशन जो आपके खोपड़ी में ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन बचपन से गैदर हुई है उसके साथ कंपेयर करेगा और आपको आइडेंटिफाई करके देगा ऑर्गेनिज्म समझे मेरी बात आवाज आ रही है ना बेटा मेरी हाँ सो अब मेरी बात सुनो क्या हुआ आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कोई चीज कंपेयर करी गई है सपोज एक बच्चा है जिसने चश्मे लगाए हुए बिल्कुल एकदम बेचारा डंडे हो गया सूखा और बाहर ऐसे लेके चल रहा है ठीक है और यहां हमारे तो कोई पूछ रहा है डाउट तो हर कोई उसी से डाउट पूछ रहा है कोई बता रहा है तो आपको अपने आप ये इन्फ्लुस आएगा कि पिछले वाले ऑर्गेनिज्म से पिछली इन्फॉर्मेशन से आप निकाल के लाओगे कि यार ये शायद है है का ठीक एक आधा बाल स्पाइक करके ऐसा ऐसा चलता हुआ बैग फेंक के मारा बैग एकदम खाली है उसका दूर से देख के बता सकते हो तुम खाली बैग है एक नोटबुक है शायद शायद तुम बोलो भाई लास्ट बेंच पे बैठा है ये बच्चा हो सकता है इंटेलिजेंट हो हो सकता है इंटेलिजेंट हो बट बैग-वैग लेकिन यार तुम्हारा इंफेरेंस बता रही हूँ मैं मैं जज नहीं कर रही तुम जज कर रहे हो ये तो तुम्हारा इंफेरेंस है ये ठीक है तो सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव टेकन सम डिस्क्रिप्शन डाउन नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग इट विद प्रीवियस प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना आइडेंटिफिकेशन तो अब आपको लगा कि ये टॉपर ये बच्चे लास्ट बेंच में बैठे ये इधर ये इधर ठीक है मैं किससे बात करूं वहां आपको दिखता है आपके जैसा कोई एक इंसान ठीक है, है तो जो ना तो बिल्कुल ही पढ़ाई में है ना बिल्कुल पीछे बैठ के चौक मार रहा है नॉर्मल बच्चा बेचारा कोने में बैठा है चुपचाप ना तंग कर रहा है ना कुछ आपने बोला चल इससे बात करते हैं ये सही इंसान है बात करने के लिए यू गो टू दैट पर्सन यू हाज पर्सन नेम आप अपना नाम बताते हो उसका नाम पूछते हो राइट नॉमन क्लेचर और कुछ टाइम बीतने के बाद आफ्टर सम टाइम वेन यू स्पेंड इन द क्लास आफ्टर अ वीक और टू यू फाइनली डिसाइड ये भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त ठीक है इन सब दोस्तों में से ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ये सारे पीछे मस्ती मारने वाले लोग तो बस में अगर पीछे बैठना है तो लास्ट सीट पकड़नी है ये लोगों के साथ मजा आएगा ठीक है पेपर के टाइम पे आसपास किसके घूमना है इस इंसान के आसपास घूमना है ये टॉपर है ये मेरे को चीटिंग कराएगा टॉपर चीटिंग नहीं कराता इस धोखे में मत रहना कभी भी नहीं चीटिंग कराता टॉपर बेटर हो गया उसके भरोसे वो कुछ नहीं बनाएगा तुमको पूरे पेपर में फिर तुम्हें दो तीन बच्चे ऐसे मिलेंगे बजाय लड़कियां ही होती हैं कभी-कभार हो है जो प्रैक्टिकल फाइल बना रही होती हैं इनसे प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी तो इनसे इसलिए बात करनी है सो so, अपने आप यू हैव नाउ क्लासिफाइड योर होल क्लास अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट सो लास्ट स्टेप क्लासिफिकेशन अब आ जाती है बात बार-बार इसी बात पे कंफ्यूजन आता है कि मैम पहला स्टेप क्या है डिस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप और आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप सो वी कम टू द कंक्लूजन कि जो डिस्क्रिप्शन वाला फैक्टर है ना वो तो वेरीड है बेटा इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टेप डिस्क्रिप्शन को लिस्ट करना हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर सो डिस्क्रिप्शन बींग द फर्स्ट बट इट इज नॉट द साइंटिफिक फर्स्ट स्टेप तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूरे टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफिकेशन द फर्स्ट साइंटिफिक स्टेप दैट इज टेकन कंपेरिजन क्रिएट किया जा रहा है चीजों को एलिमिनेट करके एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करके एक्सेप्ट करके फाइनली कंक्लूजन निकाला जा रहा है दैट दिस इंडिविजुअल इज लाइक दिस आइडेंटिफिकेशन में जा रही है बात यही करते रहो तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेल कब पढ़ाओगे सेल में मैम आप आ, प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ाओगे जो प्लांट मैम आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ाओगे जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो ठीक है और जो नहीं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे और या फिर आगे आने वाले महीनों में पढ़ाऊंगी ठीक है मेरी कंफ्यूज जनता नहीं अभी तक तो मैं ऊपर से चमगादड़ की तरह लटकी हुई थी और पैर से लिख रही थी चुड़ैल हूं मैं हाथ से लिखकर पढ़ाओ ये किससे लिखा मैंने पैर से लिख रही हूं फेंक के मारना मैंने मैंने ये पेन तुम्हारे ऊपर हाथ से लिख कर पढ़ाओ तुम दिमाग से पढ़ो प्लीज चलो बकवास पूरा दिन पूरा दिन बकवास मतलब कहां से एनर्जी मिलाते हैं ऐसी चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आइडेंटिफिकेशन कंपैरिजन के साथ होगा जिसमें आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स भी हेल्प करेंगे जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तो दीस टू पॉइंट्स वी विल डिस्कस टुमारो ये है हमारा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए अलग-अलग कैटेगरीज़ अलग-अलग

ड ऑफ नॉमिन क्लेचर ऑफ फॉर एलगी पंजाय ठीक है तो ये आई कहानी इधर फिर आता है एस ई इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉम तो प्लांट्स एनिमल्स को नाम देंगे

कल्टिवेटर प्लांट्स वाले ने इस कोड ने या बोटानिकल नॉमिनक्लेचर कोड ने हु वुड हैव गिवन द नेम क्विक राइट सो बोटानिकल नॉमनक्लेचर गिव्स द नेम ऑफ टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल चिली ये सब नाम ठीक है मेन नाम बोटानिकल नॉमिनक्लेचर देगा ठीक उसका कोई वैरायटी आता है

नॉमेचर इन हिसकोसफिक बोटानिका फिलोसफिक बोटानिका कार्लस लिनियस एक्चुअली हुआ क्या कैसपर्ट बोहिन अंकल इनके नाम बहुत बहुत नाम है गैसपर्ट बोहीन गैसपर्ट बोहिनियस ऐसे ऐसा करके तीन चार नाम एक ही आदमी है ठीक है कैसपर्ट बोहिन से मिलता जुलता राइमिंग नाम मिले तो वो इसी की बात हो रही है सिक्सटीन में पिनाक्स अपनी बुक में उन्होंने बोला कि नाम देंगे लेकिन दो नाम देंगे हर एक को बोले और चल दिए टाटा बाय बाय 1751 की बात है जब कार्लस लिनियस ने इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया is also known डिस्क्राइब्ड बाय of taxonomy ये चीज भी ध्यान रखी जाएगी फादर ऑफ taxonomy ठीक है अब आती है बात कि कैसे नॉमनक्लेचर जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिस्ट किए गए 1751 में फिर लीनियस गिव 1753 में इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उन्होंने प्लांट्स को नेम किया ठीक है एंड 1758 में उन्होंने यही रूल्स यूज करते हुए एनिमल्स को नेम किया ठीक है द द बुक इन विच ही गेव नेम्स ऑफ प्लांट्स स्पीशीज ठीक है एंड एनिमल्स का नाम दिया गया था इन सिस्टम नेचुरे ये दोनों जो मैंने तीनों चीजें जो अंडरलाइन करी है किताबों के नाम है इनकी ठीक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है उसमें पूछा है कार्लस लीनियस का फर्स्ट पब्लिकेशन क्या था प्रीवियस ईयर एम्स में अटकोगे यहां पे अगर कहीं अटके तो नीट में कोई एग्जाम में कोई भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अटके तो एम्स वाले प्रीवियस ईयर में अटकोगे कार्लिस लीनियस फर्स्ट पब्लिकेशन इज प्लैंडिक और ये चीज मैंने अपने हाथों से लिखी है मेरी चार उंगलियां दो अंगूठे ये पेन हाथ मेरे ठीक है लिख लिया मूविंग अहेड हैड वी चलो ट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बाइन नॉमिकलेचर एग्जाम्पल मैंजिफर एंडिगा फ्रूट्स का राजा लेट्स टॉक अबाउट मैंजिफर एंडिगा वी आर टेकिंग मैंगोसाइंटिफिक नेम और उसी से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेंगे सबसे पहला रूल द नेम शुड बी इन लैटिन और लैटिनाइज मंजे लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए साइंटिफिक नेम या उसको लैटिनाइज करेंगे जैसे इंडिका ठीक है आप अगर अपने नाम से देते हो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्पीशीज ढूंढती हूं और मैं अपना नाम से उसका नेम देना चाह रही हूँ ठीक है मैंजीफेरा मैंगो का ही कोई नया स्पीशीज ढूंढ दिया मैंने तो मैंने उसका नाम दे दिया मैंजीफेरा इंडिका सॉरी मैं मैंजीफेरा कोमलिका कोमोलिका हो गया ये तो ठीक <laughs> है समझ रहे यू हैव टू कन्वर्ट द नेम इन टू अ लैटिन लैंग्वेज बाई एडिंग ए एट एंड एंड एट ठीक सो वी हैव टू कन्वर्ट इन टू लैटिन और इट इज अ लैटिन वर्ड इट सेल्फ क्यों लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज खत्म खल्लास ना कोई बोलता है ना कहीं लिखी जाती है ना कहीं पढ़ी जाती है कुछ नहीं तो क्योंकि यूज में नहीं है लैंग्वेज इसके डिस्ट्रॉट होने के चांसेस भी नहीं है इसके इवॉल्व होने के चांसेस भी नहीं है आप रिसेंट टाइम में देखो अजीब अजीब शब्द निकल के आ रहे हैं बेस्टेस्ट फ्रेंड है मेरा बेस्ट इज द फाइनली ठीक है बेस्टेस्ट कुछ नहीं होता तो बेस्टेस्ट फ्रेंड है मेरा और ऐसे अजीब अजीब से कुछ कुछ वर्ड्स दैट आर एडेड टू द डिक्शनरी रेगुलरली और लैंग्वेज भी छोटा छोटा होता जा रहा है जैसे हाउ आर यू डूइंग हाउ यू डूइंग ठीक है ऐसे ऐसे सारी चीजें छोटे 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 करते जा रहे हैं हम उसको डू नॉट डोंट है ना तो ंग दैंग्वेज सो इट चेंजेस इट इवोल्व विद टाइम अगर कोई लैंग्वेज यूज में नहीं है तो वो इवॉल्व भी नहीं होगी दैट मीनस जैसा उसका स्ट्रक्चर था वो वैसा का वैसा बैठा रहेगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू सिंस इट इज नॉट बिंग यूज तो कोई लड़ाई भी नहीं करने वाला क्योंकि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज होती जो ऑलरेडी यूज में थी और उसमें साइंटिफिक नेम चल रहे होते तो फिर ये हो जाता कि क्यों भाई तेरा क्यों मानू मेरा क्यों नहीं इंग्लिश क्यों पता चला थोड़े दिन में चाइनीज लोग बोल रहे हमारा लैंग्वेज हम बोले संस्कृत में लिखो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा तो बेटर टू गो विद अ डेड लैंग्वेज इट इज नॉट चेंजिंग आल्सो और कोई कॉन्ट्रोडिक्शन भी नहीं बढ़िया देन देर आर टू वर्ड्स इन अ साइंटिफिक नेम जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट जीनस आपको कुछ क्लासिफिकेशन का बताता है कि पूरी क्लासिफिकेशन में ये ऑर्गेनिज्म आपको कहाँ मिलेगा स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट स्पीशीज ठीक है दिस इज गोइंग टू टेल यू जीनस इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ठीक है यहां पे ऐसे हो गया कि हम सरनेम पहले लिखते हैं और फर्स्ट नेम बाद में लिखते हैं ऐसा मान लो जैसे आपका जो सरनेम है सदियों से चला आ रहा है क्या होता है सरनेम का पर्पज कुछ भी नहीं होता है महा यूजलेस चीज लेकिन सरनेम का अगर कुछ कहीं रिलेशन है तो इट टेल्स यू अबाउट योर कास्ट वेर यू बिलोंग टू आप साउथ से हो आप नॉर्थ से हो आप यूएस से हो आप ऑस्ट्रेलिया से हो आप रशिया से हो ये सर है ना बिकॉज लुकिंग एट द साइंटिफिक नेम लुकिंग एट योर सर नेम वी कैन टेल वेर यू बिलोंग फ्रॉम सिमिलरली जीनस विल टेल यू अबाउट द क्लासिफिकेशन तो आपने सरनेम पहले लिख दिया है और उसका जो स्पेसिफिक नाम है वो आपने यहां लिख दिया ठीक है ना थर्ड पॉइंट जीनस का पहला अल्फाबेट कैसे लिखे इसको फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जीनस इज इन अपर केस ज फर्स्ट एल्फाबेट ऑफ स्पेसिफिक एपिथेड इज इन लोअर केस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स लुक एट दिस मैंजीफेरा का एम कैपिटल में है हमेशा होगा इंडिका का आई स्मॉल लेटर्स में है लोअर केस में है हमेशा ऐसा ही होगा इसको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हो ठीक है यू कैन नॉट राइट इट इन कैपिटल्स फर्स्ट वाला स्मॉल में नहीं लिख सकते ठीक नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट वेन यू आर प्रिंटिंग इट प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड हैंड रिटन बोथ आर सेपरेटली ठीक है देखो जब आप टाइप कर रहे हो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है आप अंडरलाइन वाला नहीं लगाओगे उसमें इटालिक्स लगाओगे इट विल बी इन एटालिक्स ठीक है टेढ़ा आता है जो जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो थोड़ा सा स्लॉटेड जाएगा स्ट्रेट नहीं है हल्का से स्लांट में है दैट इज इटैलिक्स आप हाथ से लिख रहे हो तो आप अंडरलाइन करोगे आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैम देखो मैंने तो पूरा का पूरा अल्फाबेट सोला दिया मैंने तो एकदम मस्त इटैलिक्स बोलो तो कि मैं एकदम पैरल लिख दू नीचे वाली लाइन से लेकिन अंडरलाइन नहीं करूंगा नहीं ये मैंने हाथ से लिखा है हैंड है ना तो इट विल बी सेपरेटली अंडरलाइन एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगी दोनों के लिए दोनों की अपनी अपनी अलग लाइन आएगी मैटर हाउ टेड आर यू राइट ओके टेड आर यू राइट इफ इट इज प्रिंटेड इट इज इन इटालिक्स इफ इट इज हैंड रिटन इट इज इन इट इज सेपरेटली अंडरलाइन सिंपल फंडा ठीक है टेक केयर ऑफ दैट नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट साइंटिफिक नेम और बाइ बाइनोमियल नॉम क्लेचर कंटेन्स एक्चुअली थ्री थिंग्स ठीक है एक तो आता है बेटा जीनस उसमें दूसरा आता है स्पेसिफिक एपिथेट एंड द थर्ड इज ऑथर्स नेम ठीक ये दोनों तो आएंगे हमारे पास लैटिन लैंग्वेज में टू आर इन लैटिन दिस इज इन रोमन्स दिस इज इन रोमांस ठीक है रोमांस नॉर्मल जो हमारा लिखने का तरीका है वही होगा ठीक है इसलिए आप इसको अंडरलाइन नहीं करोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका वॉज गिवन बाई लीनियस तो मैं पूरा लीनियस नहीं लिख रही भाई इतना बड़ा नाम है तो लिन डॉट या सिर्फ एल डॉट लिख सकते हो आप जस्ट राइट सिंपली एल एंड डॉट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लेकिन आप ना तो इसको करोगे ना ये इटालिक्स में जाएगा और ना ही ये अंडरलाइन होगा जैसे पैरा इंडिका इसके बाद अगर मैं एल लगाती हूं तो मैं उसको अंडरलाइन नहीं करूंगी ठीक है उसको अंडरलाइन नहीं किया जाएगा क्लियर सो नेम वर्ड पहला अल्फाबेट कैपिटल इटैलिक्स चलो बढ़िया सिक्स्थ पॉइंट आई एम राइटिंग द सिक्स्थ पॉइंट हियर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये क्या कहती है तुम्हारा मैं दोनों के दोनों एकदम दो मस्त अच्छे वाले प्लांट साइंटिस्ट ठीक है तुम आप, तुम बैठे हो चलो तुमको कहाँ भेजे मस्त जगह पे कहीं तुम घूम रहे हो स्पेन ठीक है तुम स्पेन में कहीं साइंटिस्ट हो हमें यही दिल्ली में चलेगा ठीक है हम दोनों को सेम पेड़ मिल गया हम दोनों ने सेम पेड़ पॉसिबल नहीं है बट स्टिल हाइपोथेटिकली हमने सेम एग्जैक्ट सेम डिटो पेड़ ठीक हमने अलग अलग नाम दे दिया और हमने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए दोनों ने ठीक है दोनों ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं सही नाम दिया है लेकिन अलग नाम दे दिया अब साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं साइंटिफिक पेपर्स होते हैं न्यूज पेपर नहीं बात हो रही है साइंटिफिक पेपर होता है साइंटिफिक पेपर्स क्या होता है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में रेगुलरली जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनमें ऐड किया जा, जाता है जैसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल जर्नल इज फ्लोरा नेचर ठीक है तो ऐसी नई साइंटिफिक एडवांसमेंट उनमें पब्लिश करी जाती है कि ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी इज अवेयर कि ये ये चीजें हो चुकी हैं और हो रही हैं ठीक है आपने और मैंने दोनों ने नाम पब्लिश कराया अच्छे से बताया कि देखो ऐसा ऐसा दिखता है ये डिस्क्रिप्शन है ये वो ये इसका नाम होगा हमने रजिस्टर करा दिया इसका नाम ठीक उस प, उस पब्लिकेशन में उस जर्नल में हमने इसको कराया पब्लिश ठीक है दोनों बहुत खुश यह है मेरा नाम पे एक नया पेड़ नया पेड़ थोड़े टाइम में कम्युनिटी बोले कि सेम पेड़ है और दोनों तुमने एक ही नाम दे दिया गो तो अब आई बात किसको प्रायोरिटी दी जाएगी मैंने पहले पब्लिश किया था तुम स्पेन में बैठे हो नाम भी पहले पब्लिश करो बैठे चुपचाप मैंने नाम पहले पब्लिश किया तो तुम्हारे वाले नाम को रिजेक्ट कर देंगे मेरे नाम को रख लेंगे हाँ हाँ ठीक है तुम रह रहे हो रहे स्पेन में तो फिर सब कुछ नहीं मिलता है So, the name that was करेक्टली published फर्स्ट इज गिवन प्रायोरिटी हमेशा ऐसा नहीं होगा कभी कभार ऐसा होता है कि पुराने सदियों से उस पेड़ को उसी नाम से जानते हैं पता चला कि गड़बड़ नेमिंग दिया हुआ है नाम गलत दिया हुआ है इसको ठीक तो ऐसे में हम नाम चेंज नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम से साइंटिफिक कम्युनिटी प्लस लोकल लोग भी उसको उसी नाम से जानते हैं चेंज करोगे बेफालतू तो कंफ्यूजन करोगे

गोरेला गोरेला जीनस भी सेम है सिपे भी के भीतर भी सेम है नाजा, नाजा नाजा नाजा, नाजा, ठीक है, और उसके बाद रैटस रैटस देख रहे सारे एनिमल्स के नाम लिख रही हूं मैं दिस इज दोन टोटोनिम टोटोनेम का जीनस और स्पेसिफिक एपिथड स्पेलिंग भी सेम प्रोनाउंसिएशन भी सेम सब कुछ सेम दीज आर अलाउड बाय जोलॉजिकल नॉमिनक्लेचर बट आर नॉट अलाउड बाय बोटानिकल नोमक्लेचर ठीक है ज्योलॉजिकल नॉमिनक्लेचर टोटोनिम्स अलाउ करता है बोटानिकल नोमिनक्लेचर टोटोनिम अलाउ नहीं करता है वही रूल्स एंड रेगुलेशन में लिख सकते हो टोटोनेम्स आई सी बी एन दिस इज नॉट अलाउड एम आईसी जेड एन जो करना है कर जी ले अपनी जिंदगी ठीक है सो दिस इज अबाउट सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सॉरी बायोलॉजर साइंटिफिक नेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई आर दे इंपॉर्टेंट बिकॉज वरना साइंटिफिक लेवल पे सबका नाम कोमल हो जाएगा या साक्षी हो जाएगा या राहुल हो जाएगा और क्या होगा उससे कंफ्यूजन हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा सो देर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग सच अ रिपोजिटरी जिसके अंदर गड़बड़ो ठीक है सो दिस इज वेयर वी आर कंप्लीटिंग बाय नॉमियल नॉमिन क्लेचर और भी है विटा ट्राइनॉम्यल नॉमिनक्लेचर भी होता है एक ठीक है ट्राइनॉमियल नॉमिनक्लेचर भी होता है गिवन बाय लमार्क इन विच वी हैव जीनस स्पेसिफिक एपिथेट और वेराइटी का नाम भी लिखते हैं हम वेराइटी स्पीशीज ये सब भी लिखते हैं सब स्पीशीज बट वो इतना नहीं है डिटेल में दिस इज वेयर वी आर मोर फोकस्ड ऑन अब आता है टैक्सोनॉमिकल हेरॉर्ड की इसको समझना बहुत ध्यान से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है पेपर में नहीं पूछ रहा तुमसे कोई लेकिन फिर भी समझने के लिए जरूरी क्योंकि ये नहीं समझ में तो आगे तीन है क्योंकि ठीक है बॉटनी पढ़ाते हैं हम इसलिए मैं हम हर जगह बॉटनी एजुकेटर लिखती हूँ बायोलॉजी एजुकेटर नहीं लिखती हूँ बिकॉज आई डोंट टेक दंप्लीट बायोलॉजी सब्जेक्ट चल हाँ चले आगे शुरुआत करते हैं अगली कहानी की राइट नाउ टैक्सोनॉमिक हेरार्की का मतलब क्या होता है हेरार्की को सिंपल सा टर्म्स में समझो बेटा इट्स अ लैडर हेरार्की इज अ लैडर जैसे आपके स्कूल की अगर मैं बात करूं आपके स्कूल में आपके क्लास का मॉनिटर है मॉनिटर ने बात नहीं मानी तो आप टीचर के पास जाओगे क्लास टीचर या क्लास टीचर भी छोड़ दो उसी टाइम पे जो क्लास में सब्जेक्ट टीचर है सब्जेक्ट टीचर ने भी नहीं सुना तो क्लास टीचर क्लास टीचर ने भी नहीं सुना तो कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ने भी नहीं सुना तो वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ने भी नहीं सुना तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ने भी नहीं सुना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आप एक हरार की फॉलो कर रहे हो है ना यू फॉलोइंग अ लैडर ऐसा ही एक लैडर हम फॉलो करते हैं इन साइंस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है ताकि हम जब चीजों को ढूंढें तो सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हमें चीज आराम से मिल जाएगी सब कुछ एक ही लेवल पे होगा तो सब खिचड़ी होगा कोई किसी की सुनेगा नहीं सारे लड़ाई करेंगे तू कौन तू कौन मैं कौन मैं कौन खत्म कहानी लड़ाई में निकल जानी सारा टाइम सो लैडर इज हेरकी एंड जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो जब तो एक एक पूरी सीढ़ी में एक एक स्टेप होता है ना बेटा राइट दो स्टेप्स आर नोन एज कैटेगरीज और रैंक्स तो ये हमारे पास आई कैटेगरीज कैटेगरीज और रैंक्स कितने हैं देर आर सेवन ऑब्लीगेट कैटेगरीज और रैंक्स ऑब्लीगेट मीन स्ट्रिक्ट ये तो है ही है विदाउट एनी डाउट ये रहेंगी बाकी चाहे जो आए सो आए जाए तो जाए दीज सेवन कैटेगरीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी देर ठीक है नुक एट दिस वेरी नाइसली किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज इसको याद रखने के लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर कीपथ्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक याद करने का तरीका कौन किसके बाद कैसी कैटेगरी आती है ठीक सब 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 है सबसे बड़ी कैटेगरी द लार्जेस्ट कैटेगरी दैट वी हैव किंगडम सबसे छोटा कैटेगरी स्पीशीज दिस इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की और नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट भी ये करता है नेचर में एग्जिस्ट ही स्पीशीज करता है बाकी सारा तो सिर्फ डब्बे में डब्बे में डब्बा है ठीक है इमेजिन करो दैट बॉक्स एक बड़ा डब्बा खोला आपने उसमें एक छोटा डब्बा आया उसमें और एक एक और एक 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 डब्बा 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 खोला आया फिर गिफ्ट ठीक है सो दैट गिफ्ट इज स्पीशीज द रेस्ट इज ऑल डब्बे में डब्बे में डब्बा ठीक है आपने वो डॉल्स भी देखेंगे वो चाइना डॉल्स जो होते खोला एक बड़ा डॉल उसमें छोटी डॉल आई फिर एक बड़ा डॉल फिर उस डॉल को खोला उसमें एक और उसको खोला उसमें एक और right? so, वाला सारा कुछ इमेजिनरी है हमने बनाया अपनी क्लासिफिकेशन के लिए स्पीसी exactly जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया कि मॉनिटर सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर ये सारे हैं तो सारे इंसानी ऑल ऑफ आर ह्यूमन है ना तो अगर मैं देखूं तो है क्या ये दे आर ऑल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अपना काम कैसे आसान करूं उसके लिए मैंने हर एक को अलग अलग रैंक दे दिया और उनको फिर एक इंक्रीजिंग टू सॉरी हायर टू लोअर रैंक की तरफ अलाइन कर दिया टू थिंक ऑफ इट वट वॉट इज योर प्रिंसिपल ह्यूमन बींग हो सकता है पापा है दादा दादा दादाजी की उम्र क्यों है तो इंसान ही सो इफ यू लुक एट ईच एंड एवरी ट्रॉफी ईच एंड एवरी लेवल और कैटेगरी आपको एनिमल्स प्लांट्स स्पीशीज ही दिखेंगी बट आपने अपने आसानी के लिए अपने क्लासिफिकेशन के लिए बोला हाँ इन सबको एक जैसे दिखते हैं तो एक साथ रखो ये सारे एक जैसे हैं तो इनको एक साथ रखो ये सारे स्कूल में पढ़ने आते हैं ये सारे बच्चे हैं ये सारे टीचर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इनको नेक्स्ट लेवल पे रखा ठीक है ये टाइम टेबल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेटर वाले पोजीशन पे रख दिया सो जस्ट क्लासिफाइंग थिंग्स अब देखो आप किंगडम लेवल पे हो अब हम स्कूल वाला एग्जांपल भूल जा रहे फॉरगेट दैट किंगडम किंगडम इज ह्यूज इन साइज प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये किंगडम किंगडम इज सच अ बिग नंबर सच अ ह्यूज कैटेगरी सो लार्जेस्ट दिस स्मॉलेस्ट दिस ठीक है आप किंगडम लेवल पे हो आप किंगडम लेवल पे हो आप बड़ी जनरल बातें करते हो यू हैव मोर जनरल कैरेक्टर्स मोर जनरल कैरेक्टर्स वेन यू आर एट किंगडम लेवल कैसे प्लांट्स आर ग्रीन ठीक है भाई सारे पेड़ हरे होते हैं लेकिन जनरल पॉइंट बोल रही हूं ना मैं अभी पूरे दुनिया के पेड़ है मेरे पास उसमें मैं स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोल सकती बेटा। और अपना खाना खुद बनाते फिर दिमाग में है गए इंफेक्टिव और भी अपना खाना खुद बनाते हैं खा लेते हैं फॉर नाइट्रोजन ठीक है बट दिमाग में आया ना कुछ डाउट क्यों आया क्योंकि आप स्पेसिफिक सोचे आपको मैंने एक्सेप्शन सोचने को नहीं बोला फिर भी आप सोच तो आप कंफ्यूज हो गए ही राइट right. सो so, ऐसे में व्हेन यू आर एट अ किंगडम लेवल यू आर जस्ट टेकिंग जनरल पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स लाइक मोनेरा किंगडम सारे प्रोकैरियोट है उसमें ऑल आर प्रोकैरियोट्स ठीक है तो हम जनरल पॉइंट लेके चलते हैं प्लांट्स डू नॉट मूव एनिमल्स लोकोमोशन प्रेजेंट है ठीक है जनरल पॉइंट्स आर टेकन एट किंगडम लेवल क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है कि उसमें मैं स्पेसिफिक पॉइंट उठाऊंगी तो मैं कभी क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगी ठीक हम जैसे 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 नीचे आते हैं दीज रिड्यूस जनरल पॉइंट्स बिकम लेस क्यों क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा स्पेसिफिक होते चले जाते हैं ठीक है पॉइंट्स आर मोर स्पेसिफिक सिमिलर एंड कॉमन कैरेक्टर्स are more in in number number. at species level and as you go up, they will become less in number. देखो हमने अभी कल ही क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमंस का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है एंड दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस फरगेट एवरीथिंग फॉर अ मोमेंट अगर सोचो मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस जैसा कोई कैरेक्टर ले लू फॉर क्लासिफिकेशन एट किंगडम लेवल समझ रहे हो मैंने पहला क्या मैम हम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे और हम क्लासिफिकेशन ऐसे शुरू करेंगे कि स्पेसिफिक कैरेक्टर लेते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस किस किस में है तो पूरे धरती के सिर्फ ह्यूमंस आएंगे इस वाली कैटेगरी में सेल्फ कॉन्शियस येस एंड सेल्फ कॉन्शियस नो में पूरा स्पीशीज का भंडार उधर इज दिस अ गुड क्लासिफिकेशन ये तो वो बात हो गई मम्मी ने सारे घर के कपड़े लाके तुमको दिए सर्दी गर्मी ये वो ये सब कुछ और तुमने बोला अरे मेरी पैंट मिल गई बाकी सारे कपड़े एक तरफ वो एक पैंट जो तुम दस साल से ढूंढ रहे थे वो मम्मी वहां से देख खड़ी है मम्मी ये क्या हो गए सो स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर किंगडम लेवल पे उठाओगे क्लासिफिकेशन के लिए तो इट विल बी अ वेरी बैड क्लासिफिकेशन क्योंकि बहुत सारा clubbing बहुत सारा क्लबिंग रैंडम हो जाएगी सो वी हैव टू गो फ्रॉम जनरल कैरेक्टर्स लेते हैं पहले हम और उससे फिर धीरे 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 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की तरफ आते जाते हैं सो एज वी मूव डाउन द दर्की जनरल कैरेक्टर्स रिड्यूस सिमिलर स्पेसिफिक एंड कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सिमिलर स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टर्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड कॉमन कैरेक्टर्स विल और जनरल कैरेक्टर्स विल इनक्रीज ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझमें और दूसरे ह्यूमन बींग में क्या सिमिलैरिटी है वॉट इज सिमिलर बिटवीन वॉट इज मोर स्पेसिफिक सिमिलर एंड कॉमन इन ह्यूम एक स्पीशीज की बात कर रही हूं मैं हम स्पीशीज के जो ये सारे इंडिविजुअल हैं हम सब में सेल्फ कॉन्शियसनेस है दैट इज आर आर स्पेसिफिकनेस दैट इज द कॉमन पॉइंट है ना तो सच थिंग्स विल बी देर ये क्वेश्चन एन में जब आप रीड करोगे ना बड़ा वेगली बोल गया वेरी कॉमन सो दिस इज हाउ सिमिलर एंड कैरेक्टर्स गो ये चीज ध्यान रखोगे जनरल कैरेक्टर्स किंगडम लेवल में सबसे ज्यादा स्पीसीज लेवल पे सबसे कम सिमिलर स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा इन देरकी देस इन नंबर पूरा का पूरा लैडर यह पूरी सीढ़िया द होलर इज नोन एज हेरकीगरी टोटल ऑफ सेवन ऑब्लिकेट कैटेगरी और अब इनके बीच बीच में हो सकती है किंगडम के बाद सब किंगडम फाइलम क्लास सब क्लास ऑर्डर सुपरा ऑर्डर सुपरा फैमिली इंफ्रा फैमिली ठीक है ऐसे जीनस स्पीशीज सब स्पीशीज वेराइटी सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अराउंड ट्वेंटी वन इंटरमीडिएट कैटेगरीज इंटरमीडिएट कैटेगरीज ट्वेंटी वन इंटरमीडिएट कैटेगरीज लेकिन सब कुछ एक्जैक्टली

वही समझा रहा है वो तो जब आप फैमिली को पढ़ोगे जीनस को पढ़ोगे सब पढ़ रहे हो इट इज मेजरली टॉकिंग अबाउट ध्यान रखना है इसका, लगाते, अगर समझ में ना आए तो मैंने एनसीआर स्निप्स करके लिविंग वर्ल्ड की रीडिंग भी कराई हुई है यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो चलो नाउ कम स्पीशीज लेट्स टॉक अबाउट स्पीशीज एंड डिफाइन स्पीशीज दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिस इज द रियल बहुत so तरीके करे हमने हमने खूब कोशिश करी इसको क्लासीफाई करने की और सबसे ज्यादा कोशिश करी दिखने पर वी आर ऑब्सेस्ड विद मॉर्फोलॉजी है ना वी आर ऑब्सेस्ड विद मॉर्फोलॉजी जैसे दिख रहे हैं, हाँ ये सारे, सारे, सारे सेम ही होंगे नॉट ऑलवेज ठीक है तो हमने क्या करा हमने फाइनली एक करेक्ट क्लास डेफिनेशन निकाला एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय मेयर मेयर का नाम आगे दिया होगा एक छोटा सा पैराग्राफ है जहां साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं ठीक है उसको रीड कर लेना ही इज ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं या कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं सो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज ये एक स्पीशीज है ठीक है ऐसे ही इफ दिस प्लांट कैन रिप्रोड्यूस विद दिस प्लांट टू फॉर्म अ सिमिलर प्लांट दिस इज वन स्पीशीज एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली आपस में इंटरब्रीड करते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है ठीके? करते हैं या पोटेंशियली कर सकते हैं ठीक है इफ दे कैन एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीड, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफ देन दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और ये ग्रुप्स दूसरे ऐसे ग्रुप से कंप्लीटली आइसोलेटेड है मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस नहीं पॉसिबल है दैट मींस स्पीशीज वन इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम स्पीशीज टू ये आपस में इंटरब्रीड ब्रीड कर सकते हैं लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते हैं दैट मीन्स ये अलग स्पीशीज है ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं करते भी हैं एंड नया ऑसप्रिंग भी बनता है नया जनरेशन भी आता है लेकिन ये इसके साथ क्रॉस नहीं कर सकता ये मैंने प्लांट और ह्यूमंस लेके समझाया तो क्लैरिटी आ रही है एनिमल एनिमल में सोचो वन ऑर्गेनिज्म वन कैट फैमिली एंड वन कैट और वन बिग कैट जैसे टाइगर और लायन आप लोगों ने सुना होगा लाइगर टाइगोन दिस आर आर्टिफिशियली डन लैब में होता है वो नेचर में इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ टाइगर एंड लायन विल रिप्रोड्यूस पहली बात तो वो एक जगह पर रहते ही नहीं है चलो फिर भी रह लिए आपस में इंटरब्रीड करके दे विल नॉट बी एबल टू फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग लाइगर विल नॉट गिव राइज टू अगर नॉट पॉसिबल ठीक है क्यों क्योंकि एक दूसरे से नेचर में दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने स्पीशीज को किस बेसिस पे डिफाइन किया कि ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं दो अलग स्पीशीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अन अदर एग्जाम्पल सपोज कि आपका एक पोलन एप्पल के ट्री से उड़ के जाके मैंगो के ट्री के स्टिग्मा पर गिर जाता है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा ऐसा नहीं है कि आपको मैंगो और एप्पल के बीच का कोई पेड़ मिल जाएगा नो no. ठीक है यही तो प्रॉब्लम है ना अपनी मर्जी से वर्ड मत घुसाओ बेटा किसी को भी अपनी मर्जी से जनरल मत बोलो किसी को भी अपनी मर्जी से कॉमन मत बोलो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ले मैं लैंग्वेज एंड साइंटिफिक लैंग्वेज हम लोग अभी मोर्फॉलॉजी पढ़ रहे थे प्लस की क्लास में तो मैंने यही बताया कि जो लैंग्वेज नॉर्मली हम जिसको ड्राई फ्रूट बोल जाते हैं ले लैंग्वेज ड्राई फ्रूट इज जो फ्रूट सूख गया ठीक है इन बायोलॉजिकल टर्म्स इन बोटानिकल टर्म्स ड्राई फ्रूट का डेफिनेशन अलग है राइट right? जस्ट अगर मैं बोलूं कि मैं कॉमन भी तो एक ही बात होती है जनरल भी तो एक ही बात होती है जनरल इज यूर मेकिंग जनरल जेनरल सारे गधे हो सारे गधे हो तुम कुछ समझ नहीं आता तुमको जनरल बोला अब उसी के अंदर बैठा हो कोई बच्चा जो टॉपर हो भाई पॉसिबल है ना तो दिस इज जनरल तो किंगडम लेवल में प्लांट्स आर ग्रीन बट हो सकता है भाई बैठे हो प्लांट्स इसमें इस पूरे किंगडम में जो ग्रीन नहीं है उनकी गलती थोड़ी है नाउ कॉमन पॉइंट इज कम टू क्लास एंड आई सी

ठीक है तो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को कॉमन जनरल स्पेसिफिक इंग्लिश की तो धजिया उड़ेंगी ही साइंस की भी उड़ जाएंगी उसके साथ ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जीनस नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एक्ट और सॉरी रैंक जीनस जीनस आएगा अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज टुगेदर इज नोन एज जीनस ठीक है विद मोर जनरल पॉइंट्स कंपेरेटिवली मिलके जीनस हो गए बढ़िया बात देर आर टू टाइप्स ऑफ जीनस मोनोटिपिक एंड पॉलिटिपिक मोनोटिपिक जीनस वो होते हैं जिसमें सिर्फ वन स्पीशीज इज लिविंग पॉलिटिपिक मेनी स्पीशीज आर लिविंग एक स्पीशीज लिविंग है आप देखो होमोसेपिय नाम का जो हमारे हम प्राणी है जीनस हमारा हुआ होमो है ना हमारा नाम होमोसेपियंस द जीनस इज होमो होमो नाम का कोई और एनिमल आज की डेट में जिंदा ही नहीं है जो पिछले बेचारे होमो वगैरह हो थे वो सारे एक्सटिंक्ट खत्म नॉट ऑन दिस प्लान एनीमोर। ठीक है ये हुआ प्लांट का एनिमल का एक एग्जाम्पल प्लांट के एग्जाम्पल में आएगा रिसिनस कैस्टर कैस्टर ऑयल सुना है ना कैस्टर ऑयल में जो कैस्टर ऑयल जिससे आ रहा है पांच छह पेड़ लिख दिए मैंने ये होता है ये होता है ये होता है ठीक हुई मेक अ लिस्ट बट कितने आज की डेट में मैं इस प्लान पे ढूंढ सकती हूँ देट इज अटोपिक जीनस पॉलिटेपिक जीनस वेरी इजी एग्जांपल्स पीछे भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा पैंथेरा सोलनम सोलनम जीनस से स्टार्ट होने वाले नाम बहुत सारे हैं सोलनम मिलोजना सोलनम ट्यूब्रोसम सोलनम एस्किलेंटम सोलनम नाइग्रम ठीक है Solenum Melogena, Solenum Panthera Leo, Panthera Tigris, Pardus. We have so many groups or species that are living in this category. ठीक है और ये जितनी भी हमारे पास पीछे कैटेगरीज थी ना सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज इनके पीछे एक वर्ड लगा होता है दैट इज नोन सफिक्स तो आपको कोई बताएगा भी नहीं कि ये फैमिली है लेकिन आप उसका नाम सुनते ही समझ जाओगे कि फैमिली की बात कर रहा है यार जैसे सोलन एसी एसी पोएसी, लास्ट में एसी प्रेजेंट है मतलब फैमिली लेवल की बात हो रही है, सो बस जस्ट बाय नोइंग द नेम ऑफ़ द कैटेगरी यू कैन टेल विच कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे फाइटा रोडो ये रोडो फाइटा हो गया नहीं फाइटा पे हो ना डिवीजन अच्छा हाँ ये प्लांट्स के लिए है दिस इज ऑल फॉर प्लांट्स एनिमल्स के लिए है ठीक है प्लांट्स के अंदर डिविजन वर्ड यूज करते हैं बेटा हम फाइलम वर्ड नहीं यूज करते मैं यहां पे जा रही हूं वापस किंगडम में फाइलम वर्ड इज यूज फॉर एनिमल्स वहीं पे प्लांट्स के लिए यू विल यूज डिविजन डिविजन इज यूज फॉर प्लांट्स ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है एनसीआर टी का आज हम पेज नंबर कहा कवर कर लिया है ठीक है इलेवन तक आ गए हम लोग टैक्सोनोमिकल एड्स आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास एक और पीछे दी हुई है ट्राइब है ना यहाँ पे आएगा ट्राइब इट्स अब फैमिली हरी योर फैमिली जीनस के बीच ठीक सो दिस इज वेयर वी एंड टूडे सेशन ये सारे सफेक्ट याद रहेंगे जैसे क्लास के पीछे लिखा होता है एसी ऑप्सिडा ठीक है टेरोप्सिडा हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था याद है टेरॉप्सिडा स्पिन ऑप्सिडा लाइक ऑप्सिडा टॉकिंग लेवल टेरिडो में। फिर uh, ट्राइब मैंने आपको बताई दिया कहा आएगा ऑर्डर एल्स

वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमेम्बर ये चीज कि जो एनिमल्स वाले हैं उसमें आप फाइलम वर्ड यूज कर रहे हो एंड फॉर प्लांट्स यू आर यूजिंग द ठीक है वन ऑफ़ द एग्जाम्पल सोलनेसी या हम मैंगो का ही एग्जाम्पल लेके आगे चल जाएंगे ठीक है ये टाइपिंग गड़बड़ इंडिका ठीक है श्याबाज बेटा सब ही गड़बड़ कर हो हाँ ठीक है ओके

सो दैट इज ऑल अवेलेबल टू आईकॉनिक स्टूडेंट्स प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस है कॉमन लाइफ कोड यूज कर लो फटाफट से प्लान फिजियोलॉजी का कोर्स लाइव हो जाएगा आज या कल के अंदर और उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो प्लान फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से आई एम गोइंग टू तो स्टार्ट आइकॉनिक के अंदर अगेन कोमन लाइफ कोड यूज करोगे यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ यू गोइंग टू गेट टेन परसेंट ऑफ एंड मेरे अलावा एक मैंटोर जो आपको वन ऑन वन मेंटोरिंग में हेल्प करेंगे टाइम टेबल अनालिस पेपर का डाउट क्लियरिंग नीट से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके पास हैं वो सारे डिस्कशन में प्लस नोट्स फिजिकल नोट्स विल बी रीचिंग योर होम ये दो ऑफर्स चलते हुए चार साल का ऑफर है बेटा ये फोर इयर्स अगर कोई आपके भाई बहन है अगर छोटे और वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सो दिस इज लाइक नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ विच इज फोर ईयर ड्यूरेशन विद जस्ट फोर्टी सिक्स थाउजेंड टोटल पेमेंट और ये सिर्फ फर्स्ट फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स के लिए विच इज अ वेरी गुड थिंग अगर ये अभी भी वैलिड है तो एक बार देख लेना सब्सक्रिप्शन सिमिलरली फॉर फाउंडेशन एज वेल एज नीट यूजी के प्रिपरेशन के लिए अगर आप जा रहे हो नीट फॉर फोर ईयर अगेन एंड देन हंड्रेड सब्सक्रिप्शन अगेन दे आर वैलिड फॉर ओके सो दिस इज वेर यू हैम्बैट बेटा कल हो कल परसो होगा परसों होगा वेब पे भी अब आप, कॉम्बैट आपके पास अवेलेबल है कोड रहेगा कोमन लाइफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोमल लाइव कोड कंपल्सरी है आज के सेशन से ही कुछ क्वेश्चन भी होंगे क्योंकि लिविंग वर्ल्ड आपका सिलेबस है ठीक है लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कल पेपर है बेटा आपका मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन दिस इज योर सिलेबस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर रिवाइज इट टूडे एंड अपियर फॉर इट टूमोरो कोड इज कोमन लाइव मैं अपडेट कर दूंगी पी टेलीग्राम ग्रुप में भी और यहाँ पे भी हो जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है कोड लगा देना कोमल लाइव और क्लास में आ जाओ फटाफट से मेक श्योर दैट यू डू दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट ताकि 20 तारीख को जो तुम्हारा ट्वेंटी uh, थर्ड से आर स्टार्टिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी है ना उसमें आप आराम से एनरोल uh, हो के आओ और खुशी खुशी बैठो कि हमने आधा पैसा दिया और हम भी यहाँ पे हैं So, like, share, subscribe, stay happy, stay hydrated, stay safe, enjoy your day today. Practice for tomorrow's combat as well. I will see you in class. Take care.